नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शाहजहांपुर यौन शोषण मामले में SIT ने कहा है कि चिन्मयानंद ने मसाज कराने और अश्लील बातों के आरोपों को मान लिया है। चिन्मयानंद को आज शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि SIT ने अभी तक बलात्कार के ऊपर कुछ नहीं बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से कंपनियों को बड़ी टैक्स छूट देने के बाद आज शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स ने जहां एक दशक में सबसे ज्यादा 2284.55 अंकों की तेजी के साथ 38,378.02 के स्तर पर कारोबार किया। इसके अलावा आज निफ्टी ने भी 677.1 अंक की ऊंचाई को छूकर 11,381.90 पर कारोबार किया। हालांकि सेंसेक्स 1921 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। आर्थिक मोर्चे पर मुश्किल दौर का सामना कर रही सरकार ने GST काउंसिल की बैठक से पहले कॉरपोरेट घरानों के लिए राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% रहेगा, वहीं सरचार्ज और सेस के साथ टैक्स 25.17% लगेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स रेट को कम करने का ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। इसके अलावा निवेश करने वाली कंपनियों पर टैक्स 15% कर दिया गया है और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि MAT को खत्म कर दिया गया है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ BJP ने आज कोलकाता में प्रदर्शन किया। BJP कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की सड़कों पर विरोध रैली निकाली। रैली को BJP के वरिष्ठ नेता शायंतन बासु और राजू बैनर्जी ने BJP हेडक्वार्टर से सेंट्रल कोलकाता तक निकाला। बता दें कि कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में गुरुवार को छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का घेराव किया और उन्हें काले झंडे दिखाए थे। सुप्रियो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। घोष ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, क्योंकि वो बाबुल सुप्रियो के मारे जाने का इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी देश विरोधी लोगों का अड्डा बन चुका है, इसलिए जिस तरीके से भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता यहां स्ट्राइक करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स घटाए जाने के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में होने वाले इवेंट हाउडी मोदी से जोड़ा और कहा कि कोई भी ऐसा इवेंट या फैसला बुरी आर्थिक हालात को छुपा नहीं सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नीचे जाते शेयर बाजार के लिए मोदी ने जो किया वह शानदार है। उन्होंने कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस आर्थिक संकट को छुपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने भारत को डाल दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की ओर से गृह मंत्रालय से हिरासत में लिए गए लोगों पर जवाब मांगा है। इल्तिजा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को ईमेल किया है कि वो अब तक जम्मू कश्मीर में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं इसकी जानकारी दे। 18 सितंबर को भेजे गए मेल में इल्तिजा ने इसके साथ ही अपनी मां महबूबा मुफ्ती के बारे में भी जानकारी मांगी है। हालांकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर प्रशासन से बच्चों की हिरासत को लेकर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्य से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद सरकार द्वारा बच्चों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। इसके अलावा राज्य में पाबंदियों की वजह से लोगों का जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट तक न पहुंच पाने के दावे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट मिली है जो इस दावे को खारिज करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ विरोधाभासी रिपोर्टें भी मिली हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके भारत के स्टार पहलवान सुशील कुमार को जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा है। सुशील को पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में अजरबैजान के पहलवान ने 9-11 से हरा दिया। भारत के अमित पिंगल ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। अमित पिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। अमित ने शुक्रवार को 52 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के साकेन बिबिसोनोव को 3-2 से हराया। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मौके देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले साल वर्ल्ड T20 को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के लिए
अब युवाओं में निवेश करने का समय आ गया है। बता दें कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।